नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रुचा शर्मा। बिहार में चिराग बुझ गया। चिराग पासवान की स्थिति चुनाव में वोट कटवा के तौर पर ही रही, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे सामने आए, चिराग पासवान की जो पार्टी है वो एक सीटों पर सिमट गई। ऐसे में अब सबके मन में ये सवाल था कि आखिर चिराग पासवान के आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि चुनाव से पहले वो कहते नहीं थक रहे थे कि भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी, तो अब चिराग पासवान क्या कुछ करेंगे। हालांकि चिराग पासवान इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट अभी तक नहीं कर पाए हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो उनके प्रत्याशी थे, जो उनके सिपाही थे, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन दिया है, थर्ड पोजीशन बनाए रखी, और जो बड़ी बात है, एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि मोदी जी की जीत है, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की हार है। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, आप खुद सुनिए। अपना विश्वास जताया, लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की, और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया कुछ लघु पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा, पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा, और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी, बहुत ज़्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कुछ होने के लिए था नहीं, कर पाने के लिए अनंत संभावनाएँ थी। आज पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश आया, उत्साह आया है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़कर अगर हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में पार्टी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उसकी जमीन तैयार कर ली। हम लोग के बारे में कहा जाता था कि भैया चुनाव लड़ सो लोगे, कहाँ उम्मीदवार हैं तुम्हारे पास, कहाँ कैंडिडेट है, ये तमाम तरीके की बातें हाल फिलहाल के वर्षों में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जोड़कर कही जाती थी। और जिस तरीके से 5,000-6,000 से कुछ सीटें हैं तो पार्टी ने लूज़ की अधिकांश सीटों पर, तीसरे नंबर पर जहाँ पर भी पार्टी रही उसमें भी अगर आप पार्टी के प्रत्याशियों का मत प्रतिशत देखें, जो संख्या उन लोगों को मिली है, तो ये अपने में एक नया बड़ा जनाधार पार्टी ने खड़ा किया है, और ये कहीं ना कहीं पार्टी की नींव को यहाँ से और ज़्यादा मजबूत करता है। 2025 का जो हम लोग का लक्ष्य है उसके हम लोग और करीब पहुँचे हैं। बहरहाल इस बार का भी जो हम लोग का लक्ष्य था, शुरू से इस बात को मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि भैया भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत हो। यकीन है मैं इस बात को भी उतनी विनम्रता से मैं कबूल करता हूँ कि मैं ये भी चाहता था कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रदर्शन बनस्बत बेहतर हो, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। अकेले जिन परिस्थितियों में मैं चुनाव में उतरा था, जितना मुझसे बन पाया उतना करने की मैंने कोशिश की। आप सब जानते हैं कि वो वही दौर था जब पिताजी का भी निधन हुआ था। 10 दिन का एक समय ऐसा मुझे मिला था जब मुझे अपने योद्धाओं को रणभूमि में उतारना था, क्योंकि एक लंबे समय तक हम लोग को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि जनता दल यूनाइटेड किन किन सीटों पर चुनाव लड़ी है। उनके बाद हम लोगों ने स्पष्ट की थी कि हम लोग के अधिकांश प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के सामने ही होंगे। एक लंबा समय लगा क्योंकि कुछ नए गठबंधन NDA में जाकर जुड़े, VIP वगैरह जाकर जुड़े, और उसके बाद इस तरीके से सीटों की जानकारी सामने आई, तो मुझे लगता है 6 या 7 तारीख के आसपास हम लोग को स्पष्ट रूप से पता चला कि किन किन सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है और किन किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। और 8 तारीख का दिन था जब पापा का उनका निधन हुआ, और वही दिन था जब मेरे पास पहली बार ये जानकारी आई भी थी कि किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है।